हेलो गाइज, आज का आपका टॉपिक है क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 सम सेकंड पार्ट 2। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो बच्चों, इसमें देखो कैसे करना है। सबसे पहले हम मान लेंगे, मानना नूरी की वर्तमान आयु। हल माना नूरी की वर्तमान माना नूरी की वर्तमान आयु माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है एक्स वर्ष है। माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर है एक्स वर्ष है। और हल सोनू की वर्तमान आयु बराबर है वाई वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु बराबर है वाई वर्ष है। अब क्या कह रहा है, समय 5 वर्ष पूर्व है। तो सबसे पहले बच्चों, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या होता है, 5 वर्ष से पहले। तो 5 वर्ष पहले हम दोनों की आयु बढ़ाएंगे। 5 वर्ष पहले एक हेडिंग लिख देना, 5 वर्ष से पहले। आप पूर्व भी यूज करना, 5 वर्ष पूर्व, क्योंकि मैथ में पूर्व यूज हुआ है, आपको पता है कि पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। अगर वर्तमान में नूरी एक्स वर्ष की है तो 5 वर्ष पहले थी वो एक्स माइनस फाइव वर्ष की, एक्स माइनस फाइव वर्ष है। सोनू की आयु, अगर आज सोनू वर्तमान में वाई वर्ष का है तो 5 साल पहले था वे, पांच वाई माइनस फाइव वर्ष, वाई माइनस फाइव वर्ष। ठीक है बच्चों, शर्त नंबर एक। अच्छा, नूरी की आयु कितनी है, एक्स माइनस फाइव है, और सोनू की आयु कितनी है, वाई माइनस फाइव है। अब क्या कह रही है सोनू, अब क्या कह रहा है नूरी, नूरी सोनू से क्या कह रहा है कि मैं नूरी सोनू की 3 गुनी है, नूरी सोनू की 3 गुनी है, या नूरी की आयु है या सोनू की आयु है, नूरी सोनू की 3 गुनी है, तो यह पहले से 3 गुनी है, इसलिए इसको 3 से गुना कर दो, होगी बराबर बराबर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे होएगा सिंप्लीफाई, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू मैं 3y 3 5 15 15 मीन्स एक्स माइनस के 3y इज इक्वल टू में 5 उधर जाएगा तो प्लस होएगा बच्चों, 15 में से 5 जाएगा तो माइनस के 10 बचेंगे। ये आपकी क्वेश्चन नंबर एक हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब सेकंड शर्त है इसकी, क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात भाई, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात का मतलब बाद में। यस बच्चों, 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में। अच्छा, इसका मतलब है आज वर्तमान से 10 साल बाद की बात कह रहा है ये। ठीक है, तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु अगर आज वर्तमान में नूरी एक्स वर्ष की है तो 10 साल बाद है वो एक्स प्लस 10 वर्ष है, और सोनू की आयु हो जाएगी वाई प्लस 10 वर्ष है। शर्त नंबर दो, नूरी की आयु क्या थी बच्चों, 10x+10 है, और सोनू की आयु कितनी बच्चों, y+10 है। अब नूरी क्या कह रही है सोनू से कि 10 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 2 गुनी हो जाऊंगी। अब नूरी सोनू की 2 गुनी है, ये 2 गुनी पहले से है बच्चों। अगर मैं इसको 2 से गुणा कर देता हूं तो इक्वेशन मेरी बराबर हो जाएगी, मतलब एक्स प्लस के 10 बराबर है 2y, 10 × 20 प्लस का 20। ठीक है बच्चों, माइनस के 2y बराबर है 20। 20 में से 10 गया बच्चों, सीधा ही लिख देते हैं हम, 10 आएगा। ठीक है, 20 इधर जाके माइनस होएगा, 20 में से 10 चला जाएगा तो मतलब 10 बचेगा प्लस का। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी।
क्या हो जाएगी बच्चों, एक्स इक्वेशन नंबर दो हो जाएगी। ये देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर एक में एक्स का गुणांक एक है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर दो में एक्स का गुणांक भी एक है, तो इसमें सीधा ही विलोपन विधि लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे बच्चों? विलोपन विधि। तो समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक तथा दो से एक्स माइनस के 3y बराबर है माइनस के 10 से, एक्स माइनस के 2y बराबर है 10 है। ठीक है बच्चों, घटाने पर ये माइनस का होएगा, ये प्लस का होएगा, ये माइनस का होएगा, ये वाला कट जाएगा, तीन में से एक चला जाएगा, मतलब माइनस का वाई बचा, माइनस का 20 हो जाएगा ये जुड़ के, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, मीन्स वाई की जो वैल्यू आई बच्चों आपकी वो 20 आई है। कितनी आई है? 20 है। वाई का मतलब क्या था? सोनू की आयु। तो सोनू की आयु बच्चों 20 वर्ष थी। अब हमें नूरी की आयु चाहिए। किसकी आयु चाहिए बच्चों? नूरी की आयु। यहाँ पे दिख नहीं रहा, वाई की वैल्यू कितनी आई बच्चों? ऊपर लिखता हूँ मैं, वाई की वैल्यू 20 आई है। ठीक है, अब वाई का मान आपकी मर्जी है बच्चों, ये तो आप दो में रख लो चाहे आप एक में रख लो, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो अब मैं वाई का मान समीकरण नंबर दो में रखता हूँ। तो एक्स माइनस है, एक्स माइनस दो, वाई की वैल्यू 20 है बच्चों, बराबर है 10 है, तो एक्स माइनस 20 दूनी 40 होती है, बराबर है 10 है, तो एक्स बराबर है 10, 40 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, मतलब 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 50। तो अतः है, क्या लिख दो बच्चों? अतः है नूरी की वर्तमान आयु बराबर थी, नूरी की वर्तमान आयु बराबर थी 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु थी 20 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु थी 20 वर्ष है। अतः है नूरी की वर्तमान आयु थी 50 वर्ष है, और सोनू की वर्तमान आयु थी 20 वर्ष है। दिस इज आवर आंसर। तो बच्चों इसमें ये था, ये आपके आंसर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।